कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। लबाक आप सब बहुत खुश हो के हर तरह की बीमारी परेशानियों से बचाए, आमीन सब आमीन। तो चलो वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर ना बताशे लाए हुई थी सिस्टर बाहर से, तो बाहर के पानी के बताशे का पानी देखें आप कैसा लग रहा है। बिल्कुल ही रंगत इसकी उड़ी हुई है और टेस्ट में भी इतना कुछ खास नहीं था तो मैंने ना फिर फटाफट से, अम्मी जितनी देर खाला से बात कर रही थी, मैंने फटाफट से पानी बना दिया था इसका। मतलब पानी के बताशे खा रहे तो लगे भी तो कि हाँ पानी के बताशे खा रहे हैं, तो इसीलिए ना मैंने यहाँ पर इसका मज़े का पानी बना दिया था। इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैंने ना फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था तो फिर इतना मतलब मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। खैर अम्मी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, इन्जॉय अम्मी ने अच्छे से किया था इस पानी से पानी पूरी खा के। यहाँ पर ना शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने तो दाल बनाई थी। दाल काफ़ी ज़्यादा सिंपल सिंपल लगती है, अकेले की दाल ना कोई खा नहीं पाता है, सब कुछ चाहिए होता है उसके साथ, अचार मिर्ची कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मैंने सोचा ना कि आलू की सब्ज़ी बना लेते, तो अम्मी ने आलू कट कर दिया। अब मैं इसको वॉश कर लूँगी तो अच्छे से बढ़िया से सब्ज़ी बनाऊँगी और आपको भी रेसिपी दिखाऊँगी। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को ट्राई करना है और वो वीडियो को एंड तक देखना है। जितनी दफ़ा बर्तन धो लेना, बर्तन में इतना इजाफा है, इतनी बरकत है कि मतलब बर्तन बार बार आते रहते हैं, बार बार बर्तन धो, बार बार बर्तन लगाओ, काम ना कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो भी मैंने बनाया, तो मैंने आलू की सब्ज़ी पहले जब स्टार्टिंग में मैंने खाना बनाना शुरू किया था तो आलू की सब्ज़ी मैं बहुत अच्छी बनाती थी, मुझे अपने हाथ की आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन फिर बीच में ना आलू की सब्ज़ी मुझसे अजीब से बनने लगी, टूटी फूटी। तो अब आज मैंने बहुत ट्राई करके बिल्कुल पहले जैसे आलू की सब्ज़ी बनाने का ट्राई किया था और बहुत ही टेस्टी बनी थी। अम्मी को भी बहुत अच्छी लगी थी, पापा को भी बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने आपसे रेसिपी भी शेयर की है, तो आप लोग उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है रेसिपी। सबसे पहले तो यहाँ पे ऑयल को गरम करके अच्छे से, तो यहाँ पे मैंने अनियन शामिल कर दी थी। इसको देख लिया मैंने किस तरीके से चॉप किया है, वैसे ही मैंने इसे कर लिया था। फिर इसको हल्का सा सॉटे कर लेना है, ज़्यादा मैंने इसमें सॉटे नहीं किया था। मैं सोच रही थी कि मतलब कुछ भी गड़बड़ ना हो, अच्छी सब्ज़ी बने, क्योंकि ना आलू की सब्ज़ी है, ऊपर से उसमें फिर मज़े भी ना आए, मज़े के मसाले के टेस्ट भी ना आए, तो फिर और फीकी फीकी लगती है। तो इसीलिए ना यहाँ पे मैंने अनियन से तो इसे भगाड़ दिया था, साथ ही साथ मैंने इसमें ज़ीरा भी डाल दिया था। ज़ीरे से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू की सब्ज़ी में। यहाँ पर मैंने ऑयल में ही डायरेक्ट डाल दिया था रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है, तो मैंने डाल दिया था। साथ में सॉल्ट भी डाल दिया था, बहुत ही कम क्वांटिटी रखी है मैंने मसालों की। आप अपने हिसाब से ना मसाले बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मुझे मतलब अभी इतना मसाला मना है, ज़्यादा मतलब नहीं खा सकती, तो इसलिए थोड़ा रखा था। लेकिन थोड़े मसालों से भी इतनी बढ़िया सब्ज़ी बनी थी, तो सब डाल करके सॉल्ट डाल करके तो डायरेक्टली मैंने इसमें डाल दी थी आलू। और आलू को डालने के बाद इसमें पानी शामिल करने के बाद टोमेटो, ग्रीन चिली, धनिया पत्ता शामिल करके कवर करके ना कुक कर लिया था आलू को बॉईल होने तक। तो यहाँ पर देखिए कितनी अच्छे से कलर इसका आ गया है। साइड में मैं रोटी बनाने वाली थी और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल बन करके कंप्लीट हो गई है। अब बस रोटी बना करके काम फिनिश करना है मुझे अपना। थोड़ा मैंने सोचा कि टेस्ट कर लेते, मेरी आदत हो गई खाना ना बनाते बनाते मैं टेस्ट ज़रूर करती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर टेस्ट किया, काफ़ी मज़े की सब्ज़ी बनी थी, लेकिन मेरा मुँह भी जल गया गर्म गर्म खाने से। मैंने अपने लिए रोटी बनाई थी, पापा के लिए रोटी बनाई थी, बाकी दिन की रोटियां रखी थी, और अम्मी के लिए पराठे बना दिए थे, क्योंकि उनको थोड़ा सी मतलब अच्छा खाना देने का मेरा मन था। पापा ना पराठे वगैरह अपने मूड से खाते, जब उनका मूड होता है तभी पराठे खाते हैं, ऐसे नहीं खा सकते वो पराठे, उनको रोटी ही चाहिए होती है। तो यहाँ पर दाल के साथ मैंने तो रोटी और आलू की सब्ज़ी खाई थी, बाकी अम्मी और छोटी सिस्टर ने पराठे खाए थे, क्योंकि अम्मी ने कहा कि दो पराठे मेरे लिए बहुत हैं, तो फिर छोटी सिस्टर ने भी इस पे हाथ साफ़ कर दिए। अच्छा, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है कि तिरंगा कलर का गोला बनाने का, तो इसीलिए यहाँ पे हमने अपना रखा हुआ गोला मेकर निकाल लिया था। तो बस ये काफ़ी ज़्यादा डर्टी डर्टी हो गया था, इसका बॉक्स ना खुला हुआ रखा था, सामान रखने उठाने में बॉक्स खुल गया है और अब काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। तो फिर अच्छा हुआ एक दिन पहले मैंने देख लिया, क्योंकि इसके जो मोल्ड है सिर्फ उसमें ही बर्फ़ हम जमा सकते हैं, इसके अलावा और किसी में बर्फ़ जमाएंगे तो इस गोला मेकर से गोला नहीं बनेगा, सिर्फ इनके
दिए गए मोल्ड से ही हम बर्फ़ जमा करके गोला मेकर बना सकते हैं। तो इसीलिए ये निकालना ऑब्वियस था, तो मैंने इसे निकाल लिया। एक रात पहले ही बर्फ़ जमाने में एक रात तो लगेगी, तो इसीलिए मैंने इसे निकाल लिया था। और जब देखा कि ये काफ़ी ज़्यादा डर्टी है, तो फिर मैंने इसे सब अच्छे से वॉश करके रख दिया था सूखने को, और साथ साथ बर्फ़ जमाने के लिए इन कंटेनर्स में रख भी दिया था हमने सब। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट था जब हमने इसे लिया था, काफ़ी हम एक्साइटेड हुआ करते थे इसको यूज़ करने के लिए। इतने साल पुराना है ये ना, अम्मी अपनी हर चीज़ इतने संभाल के रखती हैं, हमारे हाथ में आती तो वो ख़राब हो जाती है, लेकिन अम्मी ना हर चीज़ डांट डांट के हम लोगों को संभाल के रखने की हिदायत करा करती हैं, और इसीलिए ये सारी चीज़ें रखी होती हैं। तो हम तो इसको किसी ना किसी तरह तोड़ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अम्मी नहीं यूज़ करने देती थी, जब हमारे हाथ में आई तो हमने निकाल निकाल के यूज़ करी, और यूज़ करने में ना टूटी भी है हमसे। तो खैर, ये गोला मेकर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। बच्चों के सामने हम इसको खुद से बना सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है फिर सबको। तेरे नाम जो कर जावा।